तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो इस फोटो एडिटिंग को हम पिक्सआर्ट और लाइटरूम में करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन खोलें पिक्सआर्ट, उसके बाद ड्राइंग में जाके एक बैकग्राउंड ले लेना है। देन आपको जाना है गैलरी में, फोटो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको गैलरी में एक पीएनजी मिल जाएगा लिप का, उसे आपको ले लेना है। जैसे किनारे में ला के यहाँ पे ऐसे फिट कर लेना है ना, आपको क्लिक करना है XOR पे। देन आपको XOR पे क्लिक करने के बाद इस फोटो कर लेना है सेव। देन उसके बाद आपको उसी का बैकग्राउंड ले लेना है जो आपने पहले लिया था। उसके बाद आपको ऐड फोटो पर जाना है और जो इससे पहले आपने इस फोटो को कर सेव किया था उसे ले लेना है। और उसके बाद अपना एक मॉडल भी ले लेना है जो आपको उसके पीछे लगाना है, उसको मॉडल को भी ले लीजिए। फिर दोनों को लाइए, फिर जो आपको उसके उससे आपको पहले सेव किया था उसे लीजिए और उसके ऊपर देन उसे मूव डाउन पर क्लिक कर दीजिए। देन कुछ ऐसा आपको अंदर फिट कर लेना है अपने मॉडल को, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप वैसे ही अपने मॉडल को भी अच्छी तरह से फिट कर लीजिए। देन उसके बाद सेव कर लीजिए। उसके बाद क्रॉप में जाइए, देन उसे थोड़ा क्रॉप कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देन आपको उसके बाद जाना है टेक्स्ट पर और अपना जो भी अपने को लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ जय क्रिएशन, अपना लोगो कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। और उसे अपने स्टाइल पे जैसा आपको फॉन्ट चाहिए वो आपको नीचे मिल ही जाता है, उसे आप कर लीजिए। देन कलर जाके अपने से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ इस तरह से कर लेना है इस फोटो को कुछ अच्छा तरह से, बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपको फिर से क्रॉप में जाना है और इसे कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। देन आपको जाना है ऐड फोटो पर और एक और पीएनजी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको भी दे दूंगा। इसे भी आपको इस तरह से आपको इसमें फिट कर लेना है अपनी लिप के साथ, जैसे आपका पीछे है उसी के तरह से फिट कर लीजिए साइज लेके जिस तरह से। देन आपको इस फोटो कर लेना है सेव। बाद आपको लाइट रूम में इस फोटो को ले आना है। देन उसके बाद इसे क्लिक करना है और एक्सपोजर अपनी तरह से जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर लीजिए। देन उसके बाद कलर पे जाइए और कलर भी एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लग रहा है अपनी अपने तरीके से। देन उसके बाद इफेक्ट पे जाइए और डीएस बढ़ा लीजिए और विंटेज आपको अपने तरीके से जैसे रखना है रख लीजिए। देन उसके बाद आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। देन उसके बाद आपको इस फोटो कर लेना सेव।